बैंकॉक एयरपोर्ट आ गए हम लोग, और अब यहाँ से 6 नंबर गेट से निकल के A1 बस लेनी है जो मोचित बस स्टॉप लेके जाएगी टर्मिनल। वहाँ से बस लेंगे फिर हम पटाया जाएंगे। तो अभी सोच रहा हूँ सिम ले लूँ मैं, कराबी भी मैंने नहीं लिया था बिकॉज मुझे यूज़ नहीं लगा वहाँ पे। अब बैंकॉक में नीड है मेरे को, तो यहाँ पे सिम लेता हूँ, देखते हैं कौन सा प्लान है चीप। क्योंकि बाहर निकलना, वैसे हॉस्टल में तो वाईफाई मिल जाता है, बट जब बाहर निकलेंगे तो मैप वैप की रिक्वायर्ड रहती है, तो बहुत ज़रूरी है कि सिम ले लूँ मैं एयरपोर्ट से। सेम प्राइस पड़ता है बाहर लूँ और यहाँ पे लूँ, क्योंकि सस्ता है यहाँ पे और ऊपर पर महंगा पड़ता है। तो अभी बाहर निकलते हैं। मेरे को गेट नंबर 6 से बाहर निकलना है। गेट नंबर 6 से बाहर निकलने के बाद ही A1 बस मिलेगी जो मुझे मोचे तक लेके जाएगी। 30 बात है उसके, और गेट नंबर 10, गेट नंबर 9, गेट नंबर 6 मनी चेंज के लिए है। यहाँ पे अपने करेंसी पे चेंज करा सकते हो, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, और बड़े इमरजेंसी में करा सकते हो। ATM सारे ATM हैं, आप विड्रॉ कर सकते हो। डेबिट कार्ड के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। यहाँ सिम ले सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ 2 सिम डिटेक्ट और ट्रू के सिम नेटवर्क अच्छे चलते हैं, तो आप एयरपोर्ट से सिम भी परचेज कर सकते हो। मुझे भी लेना है बट अभी नहीं, आगे जाके। अभी पहले मैं गेट नंबर 6 तक पहुँचूँ और ये सारे सिम कार्ड के लिए कुछ नहीं डॉक्यूमेंट देने होते हैं आपको, सिर्फ पासपोर्ट देना होता है, और जो सिम की प्राइस होती है वो आपको मिल जाएगी। ये बस आती है और 30 बार लगता है जो आपको बस में पे करना होता है। आप यहीं स्टॉप, यहीं पे स्टॉप, आप यहीं रुके रहना है, बस का वेट करना है, और टाइमिंग है बस की वो लिखी हुई है, टाइम देख लो आप। Okay.
आ गई यार, बस मिल गई। इस बस का लास्ट स्टॉप है। बस टर्मिनल के अंदर मैं भी खड़ा हूँ। टिकट हमने ले लिया है, टिकट ले लिया है। टिकट पड़ी है 128 बात की, और टाइम है अभी तो 2 बज रहे हैं। जो बस जाने का टाइम दिया है इन्होंने, वो दिया है 3:20 पर। 3:20 पर बस निकलेगी। तो अभी हम मोचित बस टर्मिनल में खड़े हैं। तो मैं इस बस टर्मिनल का टूर करवाता हूँ, आप लोग को देख लो। ये मेरे पीछे ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, एंड सारा वेटिंग एरिया है। तो बस का वेट कर रहे हैं, और ये मैंने टिकट यहाँ से ली है कि सामने काउंटर वेट रहे यहाँ से टिकट मिली है पटाया के लिए 480 बाकी टर्मिनल काफ़ी बड़ा है। अभी 7-Eleven पे है, तो देख रहे हैं कुछ खाने के लिए, कुछ ले लें स्नैक्स वगैरह, क्योंकि बस में जाएंगे तो 2.5 घंटे की जर्नी है। सो कुछ ना कुछ ले लिया जाए। एक लेस लिया, एक पानी की बोतल, ये सारे रेडी टू ईट है। आप 7-Eleven से ले सकते हो और अपने हॉस्टल में इसको बना सकते हो। तभी हमने एक पानी की बोतल ले ली और चिप्स ले लिए जो बस में खाएंगे, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बाकी चलो बस में मिलते हैं। मैं अभी बस में बैठ गया है, और बस राइट टाइम थी बिल्कुल, और फुल्ली एयर कंडीशन है, काफ़ी स्पेसियस है, कंफर्ट है। तो अभी 2 से 2.5 घंटा लगेगा जो हमें पटाया मार्केट में पहुँचाएगा, वहाँ से 10 फिर देखते हैं किधर को ये अपना होटल पड़ता है,
और अभी जब हम एयरपोर्ट में थे तो यार कुछ फ्रेंड मिल गए हैं जो कि इंडिया से ही है। तो यार इंडिया में कहाँ से? जोधपुर से। क्या नाम है? जसमीत भाई मिल गए अभी। ये भी पटाया पकड़ गए, ये भाई पटाया गुरु के नाम से फेमस है और इनका 7 to 8 टाइम हो गया है पटाया में घूमते हुए। और साथ में और भी फ्रेंड है, वो है हेलो हेलो अंकुर, ये लखनऊ से है। और भाई ये जोधपुर से, मेरे साथ मेरे साथ भाई तीनों फ्रेंड अभी एयरपोर्ट में मिले हैं, सभी पटाया के लिए जा रहे हैं। चलो फिर पटाया मिलते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and